Guys, you know what? Today I'm explaining this video in front of my mom and it was so awkward. तो शायद आपको मेरी वॉइस थोड़ी धीमी लग रही हो, जिसके लिए I'm really sorry. And yeah, explanation के start होने से पहले हमेशा की तरह जल्दी से video को like कर दो, channel को subscribe कर दो और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलना. And now let's start the explanation. Part 7 की शुरुआत में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ वो सभी games खेल रहे थे. लिया सुशन को बताता है कि जिस लड़की ने कंस्ट्रक्शन साइट में नुआन की हेल्प की थी वो दरअसल यूएसए में जेल में थी, क्योंकि उसने बहुत से लोगों का पैसा चोरी किया था. वो जैसे ही जेल से बाहर आई तो वापस चाइना आ गई. सुशन कहता है अगर वो जेल में थी तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं. लिया कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि नुआन हमसे कुछ ना कुछ तो पक्का छिपा रही है. दूसरी तरफ लियो नुआन की ऑफिस जाने की कोशिश करती है, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता. वो कहती है अरे भैया जाने दो ना, मेरी फ्रेंड नुआन इसी ऑफिस में काम करती है और यहाँ के जनरल मैनेजर की वाइफ है. तभी सामने से जियांग आकर कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ. वैसे तुम नुआन को कैसे जानती हो. लियो कहती है मैं उसे जानती ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से जानती हूँ. यूँ कहूँ तो पिछले कुछ सालों से वो मेरे साथ ही तो थी. अब उसे जल्दी से बाहर बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है. जियांग कहती है एक्चुअली वो बिजनेस ट्रिप पे गई है, बट तुम मुझसे बात कर सकती हो क्योंकि मैं भी उसकी फ्रेंड ही हूँ. हाँ ज़्यादा क्लोज वाली तो नहीं बट हूँ. दोनों जब साथ में डिनर कर रहे थे तो जियांग अचानक से अमेरिका की बात करती है. लियो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं अमेरिका में थी. वो कहती है मुझे बस यही नहीं बल्कि ये भी पता है कि तुम तो वहाँ जेल में भी थी. लियो कहती है आखिर तुम चाहती क्या हो. जियांग कहती है जैसा तुमने कहा कि पिछले कुछ सालों में तुम नुआन को सबसे अच्छे से जानती हो, तो तुम मेरी मदद करो और बदले में तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो. वो हंसते हुए कहती है तुम भला मेरी मदद कैसे करोगी, क्योंकि नुआन को मुझे पैसे देने हैं, वो भी पूरे 2 मिलियन. वहीं लिया और सुशन के पास जाकर कहता है अंदर जाओ, नज़ारे का फायदा उठाओ, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो. सुशन कहता है मैं उसके सोने के बाद अंदर जाऊँगा. लियाओ कहता है क्यों आपको डर लग रहा है क्या. कोई बात नहीं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, माउंटेन बियर, डर के आगे जीत है. नेक्स्ट सीन में वो सुशन को नशे की हालत में रूम के बाहर छोड़कर एंड गेट नॉक करके वहां से भाग जाता है. नुआन काफी मुश्किल से उसे अंदर उठाकर लेके जाती है जहां वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था. वो कहता है नुआन देखो ना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बैलून वापस लेके आया. फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में नुआन बिल्कुल ऐसे ही बैलून के लिए रो रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने मरने से पहले उसके लिए आखिरी यही बैलून खरीदा था, जिसे देखकर नुआन काफी इमोशनल हो जाती है एंड उसे थैंक्स बोलती है. वो कहता है नुआन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना, क्या तुम आ गई. एंड देन क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो. नुआन उसे दूर जाने की कोशिश करती है बट वो बार बार किसके लिए परेशान करता है, तो वो क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो. इसीलिए कहते हैं लड़कियों से बच के रहना चाहिए. अगले दिन मॉर्निंग में जब वो सभी अपना अपना काम कर रहे थे तो नुआन सुशन को कम्प्लीटली इग्नोर करती है. नुआन एक टेंपल में अपनी लिखी हुई विश को देख रही थी, तभी वहाँ सुशन आकर कहता है अब इसे देखना बंद भी करो, ये तुमने तब लिखा था जब हम साथ थे. नुआन कहती है लियाओ ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हर साल आया करते थे. वो कहता है हाँ क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पे लिखी हुई विश पूरी होती है, तो मैं बस ट्राई करना चाहता था. अच्छा हुआ मैंने किया क्योंकि तुम मेरे पास वापस भी आ गई और बिल्कुल सही सलामत भी हो. नुआन कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते पिछले 3 सालों में मेरे साथ अमेरिका में क्या हुआ. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो काम करने मैं यहाँ आई हूँ जैसे ही मेरा वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी. सुशन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा. सुशन जब शिनडोंग से मिलने जाता है तो इधर लिया उसे बताता है कि उस दिन जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन सुशन इतना लेट से इसलिए आया था क्योंकि वो रात भर जियांग नान के साथ सब्सिडियरी केस को डील कर रहा था. नुआन कहती है व्हाट, बट मुझे तो लगा कि वो जानबूझकर लेट से आया ताकि मेरी सभी के सामने बेइज्जती हो. लियाओ कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो. हाँ माना कि उस टाइम पे सुशन तुमसे थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि तुम उसे अचानक से छोड़ के चली गई थी, बट वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता. वो सभी जब वापस आते हैं तो अचानक से नुआन को याद आता है कि वो तो अपना फोन कार में ही भूल गई.
वो अपना फ़ोन लेने वापस पार्किंग एरिया आती है, जहाँ जियांग एक लड़की से बात कर रही थी। तो वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है, क्योंकि जियांग उस लड़की से उसके डैड की कंपनी के बारे में ही बात कर रही थी। तभी अननोन टच की वजह से कार आवाज़ करने लगती है, तो जियांग समझ जाती है कि आसपास कोई तो ज़रूर है। वो चेक करने जा ही रही थी, बट इससे पहले कि वो नुआन को पकड़ पाती, नुआन उसका ध्यान भटका देती है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं, जहां सूचन अपने न्यू रिजॉर्ट के लॉन्च प्रपोजल का इंचार्ज नुआन को बनाता है, जिसे सुनकर यान्ना एंड जियांग शॉक्ड हो जाती हैं। यान्ना कहती है, बट ये क्यों? सूचन कहता है, ये क्यों नहीं, क्योंकि इस रिजॉर्ट की सारी डिजाइनिंग उसने बनाई है, मटेरियल्स के ऊपर सारा इन्वेस्टिगेशन इसने किया है, और जितना भी काम किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो वो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज क्यों नहीं बन सकती। मीटिंग ओवर होने के बाद जियांग सूजन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने इन सब का इंचार्ज नुआन को क्यों बनाया। मैंने पूरी सिंसियरिटी से तुम्हारी कंपनी के लिए काम किया है और मुझे उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। सूजन कहता है, मैंने तुम्हारे हार्डवर्क एंड तुम्हारे काम पे कभी भी शक नहीं किया, लेकिन हार्डवर्क के अलावा भी लाइफ में दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें तुम अच्छी नहीं हो। वो कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। वो कहता है, तो ठीक है सुनो, आज से 3 साल पहले जब मैं नशे में था तो तुमने क्या किया था? जियांग काफ़ी डर जाती है और कहती है, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है, क्या तुम्हारे लिए अभी भी ये काफ़ी नहीं है कि मैंने तुम्हें जॉब में रखा हुआ है, निकाला नहीं? वो कहती है, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि नुआन तुम्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम सैड रहो। सूजन कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इन 3 सालों में मैंने उसे कितना मिस किया है? मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ उसे लाइक करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उसके जाने के बाद वो काफ़ी गुस्से में लियू को कॉल करके कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। एंड देन एक न्यूज़ रिपोर्टर को कॉल करके कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वहीं दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं, जो कि रिजॉर्ट लॉन्च की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं वर्कर्स के बीच में हम लियू को भी देखते हैं, तभी वहां जियांग आकर उसे अपने साथ ले जाती है। जियांग कहती है, आज हमारे कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट का लॉन्च डे है, जिसके इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि नुआन है। आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो नहीं चाहेगी कि आज कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम जैसे ही उससे पैसे मांगोगी तो वो देने के लिए रेडी हो जाएगी, बट अगर नहीं हुई तो तुम उसके बारे में सब कुछ बता देना, वो भी मीडिया के सामने। नुआन जब लियू को वहाँ काम करते हुए देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो दोनों जब साइड में बातें करने जा रही थी तो पीछे से सूजन भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। लियू उसे मारते हुए कहती है, आखिर मेरे पैसे कहाँ हैं? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 2 मिलियन दोगी, पर तुमने तो मुझे 1 रुपये भी नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आज और अभी मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, अपने हस्बैंड से कहो कि वो मुझे 2 मिलियन वॉन दे, जिसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। ऑप्शन नंबर 2, या फिर मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर ले जाकर रिपोर्टर्स के सामने सब कुछ बता दूँ। तभी वहाँ सूजन आकर नुआन को बचाता है, तो लियू वहाँ से भाग जाती है। सूजन पूछता है, आखिर वो लड़की कौन थी, बट नुआन कुछ नहीं बोलती। वो वॉशरूम जाने का बहाना करके नीचे पार्किंग एरिया में आती है, ताकि लियू से बात कर सके। तभी उसे सामने से आता हुआ शामू दिखता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो ऊपर सभी के साथ लॉन्च पार्टी में होना चाहिए ना। नुआन कहती है, एक्चुअली वो लड़की जो मेरे साथ अमेरिका में जेल में थी, यहाँ वापस आ चुकी है और मुझे धमकियाँ दे रही है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सबको सच सच बता देगी। कल रिजॉर्ट लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये दिन सूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो चीज़ बर्बाद हो जाए जिसके पीछे उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अपना खून पसीना एक कर दिया। शामू कहता है, हाँ वो तो ठीक है, बट अब तुम करने क्या वाली हो? वो कहती है, सूजन एंड इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ रहूँगी तो लियू मेरा सीक्रेट कभी भी सभी के सामने एक्सपोज कर सकती है, और मैं नहीं चाहती कि सूजन कभी भी मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़े। सो प्लीज़ ब्रदर शामू, क्या आप मेरी हेल्प एक बार और कर सकते हैं? वो कहता है, मगर कैसे? नुआन उसके पास जाकर CCTV कैमरे में ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो उसे किस कर रही है। आफ्टर दैट शामू नुआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉल में वो सभी नुआन के आने का वेट कर रहे थे।
पर जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो वो सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। सुशेन जब उन दोनों की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो भागते हुए बाहर जाने लगता है, बट लियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पे मत जाओ, क्योंकि तुमने तो ये सुना भी नहीं कि आखिर उन्होंने आपस में क्या बातें की। सुशेन कहता है, क्या पता उन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है, वरना वो दोनों वापस आने में इतना टाइम क्यों लगाते। लियाओ कहता है, पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो, ये सब रियल नहीं बल्कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पीछे से जियांग भी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद वो सिक्योरिटी रूम में जाकर गार्ड से कहती है, हाय, मैं इस कंपनी की एक एम्प्लॉय हूँ और मिस्टर सू ने कहा है कि अभी अभी वीडियो जो आपने देखा था ना, उसकी कॉपी उन्हें चाहिए, तो प्लीज क्या आप मुझे दे सकते हैं। जियांग उस फुटेज को देखते हुए कहती है, वाओ शामू एंड वान, तुम दोनों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। यू गाइज रियली हेल्प मी अलॉट। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।